वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने बात कर रही थी पिछली क्लास में कि शब्द शक्ति क्या होती है, और शब्द शक्ति पे मैंने ये भी कहा था आपसे कि इसके तीन प्रकार होते हैं, और मैंने साधारण सा अर्थ आपसे बातचीत कर ली थी शब्द शक्ति का। मैंने ये कहा था कि शब्द शक्ति जो होती है वो किसी भी शब्द की अभिव्यंजना जो शक्ति होती है उसको हम लोग शब्द शक्ति कह रहे हैं, और ये भी कहा कि शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चूँकि इतना कह देने भर से आपका टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता, आपका प्रकरण लंबा है, और मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि जितने भी व्याकरण के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे वो सब के सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। ऐसा कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा कि पद परिचय की परिभाषा बताइए, क्या होता है, इस तरीके के सवाल नहीं पूछता एग्जामिनर। आप लोगों से पूछता है कि किसी भी एक वाक्य में कौन कौन से पद परिचय हैं, मतलब आपको पद परिचय देना है उस पूरे सेंटेंस का। ऐसे ही मैंने आप लोगों से पहले भी उदाहरण दिया है कि जितना कुछ भी आपकी व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है आपकी बुक का, तो वो सब का सब कैसा पूछेगा आपसे, सेंटेंस देगा और उसमें आप लोगों से पूछेगा कि इसमें क्या निहित है। जैसे मैंने शब्द शक्ति के लिए बोला कि कोई एक सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, और उस वाक्य में पूछेगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है। देखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सीधा सीधा अर्थ को हम सबको पता है, लेकिन इतना भर कर देने से हमको इसका इसकी पहचान हो जाती है ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक शब्द शक्ति के तमाम जो पहलू हैं उन पे बातचीत करूंगी और बताऊंगी कि कौन सी जगह पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। सबसे पहले हम लोग अभिधा की बात कर लें। साधारण अर्थ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि अभिधा होता है कि जिसमें सीधा सीधा अर्थ निकल रहा होता है, जिसमें अभिधा से अर्थ निकल रहा होता है उसको हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पर कई बार हम लोग सेंटेंस दिया होता है उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है इसमें लक्षणा भी हो सकती है, इसमें व्यंजना भी हो सकती है, हम लोग ऐसे कन्फ्यूज़न की वजह से कई बार सवाल को गलत कर देते हैं। तो मैं इसके तमाम आस्पेक्टों की आपसे बात करूं, हर पहलू की बात करूं, तो उन जगहों पर अगर वो स्थितियां बनती हैं तो वहां पर शक्ति हमेशा कौन सी होगी, अभिधा ही होगी। आपको कहीं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बात कर लें इसके ऊपर। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है, हमें साधारण अर्थ की हम लोगों ने बात कर ली थी कि अभिधा शब्द शक्ति जो होती है वो क्या होती है, जिसमें अभिधा से अर्थ निकल रहा होता है, जिसमें वाचार्थ से अर्थ निकल रहा होता है उसको हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा की बात करें, जिस शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब संकेत के माध्यम से साक्षात हमें क्या हो रहा है, उसी एक पहलू का संकेत हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कह रहे होते हैं। मतलब जो कुछ प्रत्यक्ष है साक्षात हमें क्या हो रहा होता है, उसका एहसास हो रहा होता है, उसका अर्थ पता चल रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब आप पूछेंगे साक्षात हर में ही होता है, कैसे साक्षात, जैसे साक्षात सांकेतिक अर्थ को शब्द का मुख्य अर्थ माना जाता है, अतः शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्या, आद्या या प्रथमा शब्द शक्ति भी कहलाती है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको जिस भी चीज़ का संकेत, साक्षात से मतलब यही है कि जिस भी चीज़ का संकेत दिया जा रहा है वो वैसे का वैसा पता चल रहा, तो इसी कारण से इसको, इस शब्द शक्ति को हम लोग प्रथमा शब्द शक्ति भी कह रहे हैं, इसको आध्या शब्द शक्ति भी कह रहे हैं, और इसको मुख्या शब्द शक्ति भी कह रहे हैं। इसके कुछ इतर नाम हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ मुख्या शब्द शक्ति, मतलब मुख्य रूप से जो शब्द शक्ति इसमें निहित होती है उसको मुख्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रथमा शब्द शक्ति भी कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको आध्या शब्द शक्ति भी कह रहे हैं, आध्या शब्द शक्ति भी कह रहे हैं। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी हमारा प्रत्यक्ष अर्थ पता चल रहा है, जो कुछ भी साक्षात संकेत प्राप्त हो रहा है, उस स्थिति में हमेशा शब्द शक्ति अभिधा ही होती है। और व्यापक अगर मैं इसे आप लोगों से बात करूं तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति में द्वारा जिन शब्दों के वाच्यार्थ और मुख्यार्थ की प्रतीति होती है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। मतलब मुख्यतः इसमें
तीन तरीके के वाचक आपको पता चल रहे हैं, मतलब आप लोगों को सीधे सीधे वाचक की प्रतिति जहां पर होती है वहां पर आप लोगों की शक्ति कौन सी होगी, वहां पर शब्द शक्ति अभिदायी होगी। जैसे हम लोग रह रहे हैं रूढ़ शब्द हैं, जहां पर आपके यौगिक शब्द हैं और जहां पर योग रूढ़ शब्द हैं, उन शब्दों की स्थिति में योग रूढ़ शब्द, इन शब्दों की स्थिति में हमेशा शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिदा होती है। तो समझ लीजिए रूढ़ क्या होता है, पहले हम लोग इन वाचक शब्दों की बात कर ले। रूढ़ का मतलब था जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, विश्लेषण करते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति संभव ना हो, अर्थात जिनका अर्थ जो होता है वह समुदाय शक्ति के द्वारा हो और वे रूढ़ कहलाते हैं, मतलब जिनकी व्युत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे हम लोग कोई और इसमें व्युत्पत्ति संभव नहीं, संभव नहीं मतलब समुदाय में वो शब्द क्या हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, तो वहां पर शब्द शक्ति हमेशा कौन सी होगी, अभिदायी होगी। अब यौगिक शब्दों की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कह रहे थे कि रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़, ये शब्द लक्षणा शब्द शक्ति में, सॉरी अभिदा शब्द शक्ति में होते हैं, तो वहां पर हमेशा शक्ति कौन सी होगी, अभिदायी होगी। रूढ़ शब्दों की हम लोगों ने बात कर ली, जो मूल रूप में प्रचलित है, समुदाय में प्रचलित है, उसको हम लोग कह रहे हैं रूढ़ शब्द। अब हम लोग कह रहे थे यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों की अगर हम बात करें तो जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से निर्मित हो, उनके विश्लेषण संभव हो तथा उनका अर्थ बोध प्रकृति प्रत्यय की शक्ति से हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब आप लोगों को पता है कि मूल शब्द के साथ आपका प्रत्यय जुड़ जाए, जैसे जल आपका मूल शब्द है और उसके साथ जय शब्द और जुड़ जाए तो जलज हो गया, और जलज क्या हो गया, आपका यौगिक शब्द हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हो वहाँ यौगिक शब्द होते हैं, और यौगिक शब्दों में क्या होता है, अभिदा शब्द शक्ति होती है। अब योगरूढ़ की बात कर लें, मतलब आप लोगों के यहाँ पर ये दोनों शब्द हो, जहाँ पर जहाँ मूल शब्द भी हो और प्लस आप लोगों का जो क्या बोलते हैं यौगिक शब्द भी हो, तो वहाँ पर शब्द शक्ति हमेशा कौन सी होती है, अभिदा होती है। आप देखिए दो स्थितियां बनती हैं, परिभाषा की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले शब्द का उदाहरण ही बता दूं आप लोगों को। जैसे जलज शब्द की बात कर ले, जलज आपका यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि ये शब्द कमल के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये जो जलज शब्द है जल में जन्मा, जल में उत्पन्न हुआ। अब जल में उत्पन्न तो आपका घोंघा भी होता है, सीपी भी होता है, मछली भी होती है, मतलब ये सब जल के उत्पत्ति हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। और मैंने कहा कि जैसे उत्पन्न हुआ तो किसके लिए यौगिक शब्द हुआ, ये कमल के लिए हुआ, तो स्पेसिफिकली तो कमल के लिए प्रयोग में हो रहा है, लेकिन जलज शब्द जो क्या हो रहा है वह सभी को आपके सामने परिलक्षित करता है, जो सभी जीव जल में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के जहाँ पर शब्द होते हैं वहाँ पर शब्द शक्ति अभिदा होती है, मतलब इसको मुख्या भी कह रहे हैं, इसको प्रथमा भी कह रहे हैं, इसको आध्या भी कह रहे हैं, और जिसमें वाचक शब्द होते हैं, साक्षात सांकेतिक शब्द जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द कौन कौन से, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिदा होती है। और अगर हम लोग व्यापक परिभाषा की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपका कुछ उदाहरण में बात करूँ, राम पुस्तक पढ़ता है, किसान खेत पर हल चलाता है, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें शब्द शक्ति कौन सी, क्योंकि इसमें सांकेतिक अर्थ जो दिया है, साक्षात जो अर्थ दिया है सांकेतिक अर्थ, वो वैसा का वैसा हमें मिल रहा है। जैसे हम लोग बात करें राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो साक्षात संकेत प्राप्त हो रहा है राम के पुस्तक पढ़ने से है, तो वहां पर शब्द शक्ति कौन सी होगी, अभिदा ही होगी।
मतलब यहाँ पर कोई लाक्षणिक अर्थ हमें नहीं मिल रहा है, ना यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यंजना शक्ति या व्यंग्य हमें प्राप्त हो रहा है। सीधी सीधी बात है कि राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमें अर्थ सीधे का सीधा प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति हमेशा अविदा ही होती है। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि किसान खेत पर हल चला रहा है, बालक विद्यालय प्रतिदिन जाता है, तो इनमें शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति यहाँ पर अविदा। इन वाक्यों में प्रत्येक शब्द अपने मुख्य अर्थ को व्यक्त कर रहा है। अविदा के द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ को मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और अविद्यार्थ भी कहते हैं। अविदा शक्ति से अर्थ का ग्रहण उसके उपायों से होता है और इन उपायों में व्याकरण, कौश, उपमान, वाक्य, विश्वसनीय व्यक्ति का कथन, व्यवहार, ज्ञान, प्रसिद्ध शब्दों के साथ प्रयुक्त होना आदि की गणना की जाती। मतलब जहाँ जहाँ पर भी ऐसे विश्वसनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया, परिभाषा का इस्तेमाल किया गया है, वाक्य जहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, सीधे का सीधा अर्थ दे रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, प्रसिद्ध शब्द हैं जो रूढ़ रूप में हमें ग्रहण हो गया, उनका प्रचलन हो गया, तो ऐसे शब्दों में शब्द शक्ति अविदा होती है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अविदा शब्द शक्ति जो होती है उसमें सांकेतिक अर्थ बताने वाली शक्ति है। तो सांकेतिक अर्थ को हम लोग चार प्रकार से ग्रहण करते हैं। चार शब्दों से होता है सांकेतिक से मतलब, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, क्रियावाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन चारों ही शब्दों में संकेत ग्रह होने से वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा शब्द शक्ति अविदा होती है। मतलब हमें पता चल रहा है किसे? जातिवाचक शब्दों के माध्यम से। आप लोगों के यहाँ पर जो जो भी शब्द जातिवाचक प्रचलन में हैं उनका जैसे का तैसा हमें सांकेतिक अर्थ मिल रहा है उस स्थिति में, जातिवाचक संज्ञा में और गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में। अब जैसे काला शब्द है किस सेंटेंस में कैसे प्रयुक्त हो रहा है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये रूढ़ हो गया है समाज में, तो ऐसे शब्दों में भी शब्द शक्ति कौन सी? अविदा। क्रियावाचक जो शब्द होते हैं वहां पर भी शब्द शक्ति कौन सी होती है? क्रियावाचक शब्दों में भी शब्द शक्ति अविदा ही होती है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो द्रव्य रूपक, द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं उनको हम लोग व्यक्तिवाचक भी संज्ञा में, हम लोग द्रव्यवाचक जातिवाचक में हम लोग इसको काम में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शब्द शक्ति अविदा ही होती है। ये तो हम लोग व्यापक अर्थ की बात करें अविदा शब्द शक्ति की। अब मैं बात करूं आप लोगों से लक्षणा शब्द शक्ति, कौन सी स्थिति ऐसी बनती है जहां पर के शब्द शक्ति लक्षणा होती है। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी तब तो मैंने कहा ही था आप लोगों से कि साधारणतः तो हम लोग जहां पर लाक्षणिक अर्थ प्राप्ति करते हैं वहां पर शब्द शक्ति कौन सी होती है? लाक्षणा होती है। पर एग्जामिनर इतना भी इजी नहीं पूछ रहा होता है कि हमें देखते ही पता चल रहा है कि लो लाक्षणा है, कम से कम वो थोड़ा बहुत हमें घुमाने का प्रयास जरूर करेगा। तो ऐसी स्थिति में लाक्षणा शब्द शक्ति को हम कैसे पहचाने, इस पे अगर हम लोग बात करें तो मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ अन्य अर्थ ग्रहण किया गया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कह रहे हैं। मतलब मुख्य अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है, कैसा अर्थ चल रहा है? अन्य अर्थ पता, मुख्य अर्थ से भिन्न, हमें अन्य अर्थ पता चल रहा है और उस अन्य अर्थ की स्थिति में शब्द शक्ति कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति। अब कैसे देखो भिन्न अर्थ उसे, जैसे मोहन गधा है तो यहाँ गधे का लक्षार्थ है मूर्ख है। मतलब आप लोगों से साधारण सा अर्थ पूछ रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि मोहन गधा है, या फिर आप ये बोल दीजिए सोहन गधा है, मोहन गधा है, तो ऐसा तो अर्थ है नहीं कि आदमी तो गधा नहीं हो सकता है, क्योंकि गधा किसका प्रतीक है? जानवर का है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, इसमें ये लक्षण बता रहा है कि उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो वहां पर शब्द शक्ति कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका मुख्यतः हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति की बात करो, तीन कारण और तीन बातें आवश्यक होती है। पहला तो होता है मुख्यार्थ का बोध होता है और फिर लक्षार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना,
मुख्य अर्थ तो पता चलता ही चलता है, लेकिन उस मुख्य अर्थ का क्या होता है, आपके आपके लक्ष्यार्थ से संबंध होता है। अब गधे का संबंध किससे है, आपके मोहन से, या मोहन का संबंध किससे है, गधे से। जुड़े हुए हैं ये, इतर अर्थ नहीं है इनका, आपस में क्या है, जुड़ाव है, और तभी ये क्या हो रहा है, आपको पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। इसीलिए ऐसी स्थिति बनने पर शब्द शक्ति कौन सी होती है, आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तीसरा इसमें ये होता है कि रूढ़ी या प्रयोजन का या उसके मूल में होना, रूढ़ी का या किसी भी प्रकार का किस प्रयोजन से वो इस्तेमाल हो रहा है, रूढ़ी का और प्लस प्रयोजन का, इन दोनों का उस शब्द के मूल में होना अति आवश्यक होता है। ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो शब्द शक्ति लक्षणा होती है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ, जैसे मुख्यार्थ का बोध कैसे, जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विरोध दिखाई दे रहा है तो उसे मुख्यार्थ का बोध कहा जाता है। जैसे गंगा पर घर है, आप लोगों के सेंटेंस जो है ऐसे आ गया, गंगा पर घर है, तो ये कैसे संभव है, गंगा नदी पर नहीं, उसके किनारे पर घर है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वहां पर अर्थ शक्ति कौन सी, लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे मैं दूसरा आप लोगों से बात करूं, लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होना कैसे, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से संबंध होना आवश्यक है। उदाहरण में आप लोगों से बात करूं, गंगा पर घर है, वाक्य में गंगा पर घर से मतलब क्या है, गंगा के तट पर घर है, तट से लिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये है गंगा पर घर है, तो इसमें क्या मुख्य अर्थ तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पता चल रहा है, लेकिन जो लक्ष्यार्थ पता चल रहा है वो हमारा क्या है, आपस में संबंधित है। मुख्यार्थ का और लक्ष्यार्थ का आपस में परस्पर संबंध है और ये होना जरूरी है। ये दूसरी विशेषता होती है जहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तीसरी विशेषता की मैं बात करूं तो वो है कि लक्ष्यार्थ के मूल में रूढ़ी या प्रयोजन का होना, अर्थात लक्ष्यार्थ ग्रहण के मूल में कोई रूढ़ी या प्रयोजन होना आवश्यक है। रूढ़ी का अर्थ होता है प्रचलन या प्रसिद्धि, प्रयोजन का आशय होता है फल विशेष या उद्देश्य। हमेशा क्या होता है कि कोई भी, मैंने बोला ना आप लोगों से कि रूढ़ी के लिए कि कोई भी प्रसिद्ध वाक्य है, कोई भी व्यवहार जो प्रसिद्ध व्यवहार प्रचलन में है, ऐसी चीज, तो वो प्लस क्या होता है, उसमें उद्देश्य उसका निहित होता है। ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति क्या, लक्षणा होती है। जैसे महत्व क्या है लक्षणा का, लक्षणा से व्यक्त होने वाला अर्थ लक्षार्थ कहलाता है और जिस शब्द में यह अर्थ निकलता है उसे लक्षक कहते हैं। अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ व्यक्त होने के बाद ही उसे लक्षार्थ लिया जाता है। इस व्यापार में या तो रूढ़ी होती है या फिर कोई प्रयोजन रहता है। वाक्य में शब्दों का अर्थ करते समय जब उनमें अर्थ की संगति नहीं बैठती तब लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। वह लड़का शेर है। अब आपको पता है, ज्यादातर आपको पता है कि जानवरों के साथ तुलना होती है या उपमा होती है, लगभग स्थिति बनती है आपकी लक्षणा की। जैसे वह लड़का तो शेर है, अब लड़का शेर तो नहीं हो सकता, मतलब उसमें बहादुरी का गुण है, उसको व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति कौन सी, लक्षणा होती है। मतलब जो अर्थ आपको, जो मुख्य संकेत दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है आपको, वो तो दिख ही रहा है, प्लस आपको कहीं और उसकी तरफ इशारा किया गया, उसके लक्षण की तरफ इशारा किया गया, ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति लक्षणा होती है। आप जैसे हो गया, वह लड़की गाय है, तो गाय से मतलब लड़की तो गाय नहीं हो सकती, तो क्या है उसमें, उसकी तरह वो सीधी है, उसकी तरह वो सहज है, सरल है, ये हमें विशेषता पता चल रही है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मोहन तो सरासर गधा है, ऐसा आ गया तो यहाँ पर क्या है, उसमें भी उसका, उसके गधे जैसी बेवकूफ़ी या मूर्खता का पता चल रहा है। तो इन शब्दों में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक तरफ साहसी का पता चल रहा है, एक तरफ सरल से है सीधी से पता चल रहा है, एक तरफ हम लोगों के उसकी मूर्खता का पता चल रहा है। मतलब क्या होता है कि इसमें मुख्यतः जो अर्थ होता है वो अर्थ लक्षणा शक्ति के लिए ही लिए गए हैं। लक्षणा के आपको पता है दो भेद हैं। आप लोगों को यहाँ पर कई बार इसके भेद पे भी सवाल पूछता, ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ से इसके भेदों पर सवाल पूछ लेता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है।
आप लोगों का ये तो साधारण अर्थ है जो आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ कहाँ होती है लक्षणा शक्ति शब्द। अब हम लोग दो तरीके के हम लोग बात करें कि दो इसके प्रकार हैं या भेद हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, ये और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए इनका अर्थ समझिए कि क्या होता है रूढ़ी लक्षणा और क्या होती है प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले हम लोग रूढ़ी लक्षणा की बात करें। यदि रूढ़ी या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षार्थ लिया जाता है, वहां रूढ़ी लक्षणा मानी जाती है। जैसे कलिंग साहसी है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, रूढ़ी जो है उससे भिन्न अर्थ क्या हो रहा है, लक्षण से पता चल रहा है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जो रूढ़ शब्द है वो है आप लोगों का कलिंग। जैसे क्या होता है, कलिंग के एक भूभाग का नाम है जो आपके कहाँ पर है, ओडिशा में है। जबकि देश में अचेतन होने पर भी साहसी नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी होगी, लक्षणा होगी। क्योंकि ये तो स्थान विशेष का नाम है जो रूढ़ हो गया है एक स्थान के लिए, और ये आप लोगों की उसकी लाक्षणिकता को प्रकट कर रहा है। ऐसी स्थिति में रूढ़ शब्द के साथ कोई भी उसके साथ अन्य लक्षण की प्रतीति हो रही है तो शब्द शक्ति कौन सी होगी, आपकी रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। प्रयोजनवती की बात करें तो मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर घर है, इसका उदाहरण हम लोग ले रहे थे, तो क्या हो रहा है, उसके तट पर घर है। और गंगा में क्या है हमारा आशय, उसके निकट उसका शीतल है, पवित्र है, ये भी बताना उसका मतलब है। तो ये आप लोगों के इस शब्द शक्ति की मुख्य विशेषता है, मतलब किसी प्रयोजन की प्रतीति करा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि गंगा पर घर है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको उसकी शीतलता का एहसास करा रहा है। ये रूढ़ नहीं है आप लोगों की, लेकिन स्थान विशेष के लिए होगा, गंगा के लिए भी हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतीति किससे हो रही है, घर से है। तो घर में क्या हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है कि तट पर घर है, तो उसकी शीतलता का एहसास करा रहा है। ऐसी स्थिति में शब्द शक्तियां आप लोगों की कौन सी है, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये दो लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। और अंतिम शब्द शक्ति है आप लोगों की, और वो है व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप सबको पता है, आसान सी बात है, मैंने कहा जहाँ पर भी समय सूचक शब्द है, जहाँ पर मैंने बोला कि मोस्टली आप लोग ये मान के चलिए कि जहाँ पर जानवरों से आपकी तुलना करी जा रही है या किसी भी व्यक्ति की तुलना करी जा रही है, ऐसी स्थिति में लगभग को शब्द शक्ति होती है आपकी लक्षणा। और जहाँ पर भी समय सूचक शब्द आ गया, ऐसी स्थिति में एनी हाउ शब्द शक्ति आपकी व्यंजना ही होती है। समय सूचक शब्दों में शब्द शक्ति व्यंजना। पर इसके अर्थ की व्यापक बात हम लोग कर लें तो आप लोगों को मैंने व्यंग्यार्थ पे कहा है कि व्यंग्य से जहां पर शब्द शक्ति का पता चल रहा है तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहां किसी भी शब्द का सामान्य या मुख्य अर्थ नहीं निकलता, कोई विशेष या अन्य अर्थ निकलता है, वहां पर शब्द शक्ति कौन सी, व्यंजना होती है। मतलब सामान्य अर्थ भी नहीं है और मुख्य अर्थ से अर्थ भी नहीं निकल रहा है, पर अर्थ कैसा निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है। और विशेष अर्थ की दशा में आपकी शब्द शक्ति कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब देखिए विशेष अर्थ कैसे, विशेष अर्थ से मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की, किसी भी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि समय की प्रतीति करा रहा है, जैसे संध्या काल के 6 बज गए हैं, या हम लोग बोल रहे हैं कि प्रातः हो गया है या सुबह हो गई है, तो इस प्रकार के शब्दों में क्या हो रही है, कौन सी शब्द शक्ति होती है आपकी, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। समय सूचक शब्दों में शब्द शक्ति व्यंजना होती है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने आप लोगों के लक्षणा के भेद बताए, ठीक उसी प्रकार व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, एक आप लोगों की शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना।
शाब्दी व्यंजना और दूसरी आप लोगों की आर्थी व्यंजना। जहां पर शब्द से पता चल रहा है व्यंजना शब्द शक्ति का वहां पर शाब्दी, और जहां अर्थ से पता चल रहा है वहां पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यापक अर्थ की बात कर ले हम लोग तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति जहां विशेष शब्द के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहां वह शब्द हटा देने पर व्यंग समाप्त हो जाता है, वहां पर शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति आपकी शाब्दी व्यंजना होती है। मतलब शब्द से क्या हो रहा है? व्यंग का पता चल रहा है, तो शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। वो शब्द अगर हम हटा देते हैं तो शब्द का अर्थ ही भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति कहीं कुछ और उसमें अर्थ निकालने लगता है। तो शब्द का महत्व जहां पर शब्द में क्या होती है? व्यंजना निहित होती है, ऐसी शब्द शक्ति को शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब आर्थी व्यंजना की बात करते हैं, मैंने बता दिया साधारण अर्थ में। अगर परिभाषा की हम लोग बात कर लें तो जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होते हैं तो वहां पर शब्द शक्ति कौन सी होती है? आर्थी व्यंजना होती है। अर्थ पर आधारित होती है क्या आप लोगों की शब्द शक्ति? तो उस स्थिति में शब्द शक्ति कौन सी होती है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसका महत्व क्या है? व्यंजना शक्ति के द्वारा प्रत्येक वाक्य का अर्थ आसानी से व्यक्त हो जाता है। इससे उद्घाटित अर्थ को व्यंग्यार्थ, गम्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, व्यंजक आदि नामों से संबोधित किया जाता है, और व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द क्या होता है? व्यंजक कहलाता है। अभिधा और लक्षणा केवल अर्थ बताकर शांत हो जाती है, परंतु व्यंजना वाक्य और काव्य रचना के मूल भाव को अथवा उसके उद्देश्य को व्यक्त करती है। व्यंजना के आधार पर ही किसी काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम कहा जाता है। व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में रहती है, इस कारण उसके शब्दों शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना हम लोगों ने बात कर ली कि ये इसके भेद हैं। फिर इसके कई अन्य भेद होते हैं जहाँ व्यंजना के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि फली सकल मन कामना लूटो अगणित चैन, आच अचे हरि रूप सखी भये प्रफुल्लित नैन। मतलब ये है कि यहाँ कामनाओं का फलना, चैन का लूटना, रूप का अंचन में मुख्यार्थ बाधा है। अतः लक्षणा के बल पर इसका अर्थ हम क्रमशः पूर्ण नहीं हो पाता है, प्राप्त नहीं होना और देखना होता है। लेकिन वक्ता इसका प्रयोग मात्र लक्षणा में निमित्त नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे दोहे में क्या है? व्यंग्य है। आज भगवान कृष्ण के दर्शन करके अपरिमित आनंद की प्राप्ति हुई। अपरिमित आनंद की प्राप्ति की अभिव्यक्ति लक्षणा मूला व्यंजना से ही हुई है। एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे प्राकृतिक सूषमा में कमल तो कमल है। इस वाक्य में प्रथम कमल शब्द का अर्थ हो गया सामान्य रूप में कमल, और दूसरे वाले का मतलब हो गया कि अद्वितीय अतिशय सौंदर्य से है। तो इसका अर्थ व्यंजना से हो रहा है, तो मतलब काफ़ी चमत्कारी है। आप ये मान लो जिसमें कि समय सूचक शब्दों में ज़्यादातर क्या होती है? आपकी व्यंजना होती है। और या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर व्यंग्य कर रहे हैं, तो उस व्यंग्यार्थ की स्थिति में आप लोगों के यहाँ पर जो अलंकार होता है श्लेष, उसी उसमें भी क्या होती है? आपकी व्यंजना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में शब्द शक्तियाँ आप लोगों की ये बनती हैं, तीन प्रकार के शब्द शक्तियाँ, जिसपे हम लोगों ने व्यापक अर्थ पर बातचीत कर ली। और व्यापक अर्थ में मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आपकी शब्द शक्तियाँ तीन होती हैं, जिसमें अभिधा लक्षणा और व्यंजना की मैंने बात कर ली। देखिए आज का प्रकरण मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरा का पूरा प्रकरण आपको करवा दिया शब्द शक्ति वाला, और इसमें अगला जो प्रकरण होगा वो अलंकारों का होगा। अलंकार महत्वपूर्ण आप लोगों की व्याख्या की दृष्टि से भी आते हैं, और कई बार आप लोगों से कोई भी एक दोहा दे देगा, चौपाई दे देगा, आप लोगों की सवैया सोठा दे देगा, और आप लोगों से पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अलंकार का क्वेश्चन दोनों ही हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग अगली क्लास में जब मैं ये आपको बताऊं, आपके साथ इस पे मैं विचार करूं, उससे पहले आप लोग पढ़िए। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पहली बार अलंकार का नाम सुन रहे हैं, आप जब से व्याकरण को सिस्टमैटिक पढ़ने लगे तब से आप लोग अलंकार पढ़ते चले आ रहे हैं। पर मैं आप लोगों को कैसे पहचान करें, एक विशेष रूप से कुछ शब्दों को बताऊंगी जिसको देखते ही आपको पता चल जाना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। और अर्थ और परिभाषाओं पर बात में भी मैं आपसे करूँगी, पर चूँकि आपकी व्याख्या का प्रश्न एग्जाम में
पूछता है आपसे, सप्रसंग व्याख्या करवाता है। तो जब मैं बुक पर आपसे बातचीत करूंगी तो मैं आपसे बात करूंगी, वहां पर आप विशेष लिखते हैं, आप कोई भी व्याख्या कर रहे होते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आप संदर्भ लिख रहे होते हैं, फिर किस प्रसंग में वहाँ पर बातचीत हो रही है तो आप प्रसंग लिखते हैं आप लोग, फिर व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेष लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक का नाम बताएंगे, इसके इस पाठ से और ये इसके लेखक हैं या इसके रचयिता ये हैं या उनके द्वारा भी रचित है, ऐसे करके आप लोग उसमें लिखते हैं। और प्रसंग जिसमें भी जो भी इसके ऊपर बातचीत की गई और तमाम व्याख्या आप लोग व्याख्या में लिखते हैं, और विशेष जहाँ पर आप जिसको आप व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कहते हैं और उसको आप ऑब्लिक करके विशेष भी लिख सकते हैं, उसमें आप बता रहे होते हैं कि उसमें कौन कौन सी व्याकरणिक चीज़ें इस्तेमाल हुई, चाहे तो आप लोग उसमें बात कर रहे, आप उसमें बातचीत कर रहे होते हैं कि उसमें कौन सा अलंकार हुआ है, भाषा शैली कैसी प्रयोग में हुई है, कैसी भाषा है, ये सब बातें उसमें आप बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका अलंकार जानना महत्वपूर्ण जाता है। पर मैं सिर्फ आज परिभाषा की बात करके छोड़ रही हूँ आपका, अलम प्लस कार से बना होता है। और क्या होता है अलंकार, किसी भी साहित्य के शोभावर्धक जो व्याकरणिक चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, अलंकार कह रहे होते हैं। अब शोभा को बढ़ाते कैसे हैं, हमने कहा कि एक तो हम लोग साधारणतः ऐसे ही किसी चीज़ को कर रहे थे और इसका मुख तो चांद जैसा है, तो हमने क्या कर दिया उसकी शोभा को बढ़ा दिया। इस प्रकार से अलंकार जैसे ही काव्य में शामिल होते हैं, जैसे ही आप लोगों की कविता में शामिल होते हैं, वैसे ही आपकी कविता क्या होती है, और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस प्रकार से बिना गहने के नारी उतनी सुंदर नहीं लगती जितने कि गहने या आभूषण पहनकर नारी का सौंदर्य बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के इस्तेमाल से साहित्य की शोभा बढ़ती है, साहित्य का सौंदर्य बढ़ता है। तो साहित्य में अलंकार का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब अलंकार कौन कौन से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग बहुत सारे प्रकारों की बात करते हैं। आप लोगों के जो जो भी अलंकार हैं उन पर मैं बातचीत करूँगी आप लोगों से, आप इसकी एक सहज रीडिंग लगा लीजिए, आपको ये समझ में आ जाइए, आपकी मेमोरी में वापस रिकॉल हो जाए कि अलंकार क्या होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर भी कहीं पर भी इसमें अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना को समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा, इतना कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, और आसानी से 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप लोग अपने धीरे धीरे करके ग्रामर को तैयार करते जाइए, जब भी स्कूलें खुले तब तक आप लोगों का इतना मैटर प्रिपेयर हो जाए कि इतने टाइम में होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं लगे आप लोगों को कि हमने बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया। इसलिए आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, आप अपने टाइम को पूरा काम में लें, कि ये जो समय अभी आप लोग जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि कोरोना का टाइम है, जिसको हम लोग COVID-19 का टाइम कह रहे हैं, तो नहीं अपनी स्कूलें खुल रही तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी हम लोग उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे और आप उसमें पूरा कोऑपरेशन। थैंक यू।